नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आज सेल्फ हेल्प सीरीज का तीसरा दिन है। हाँ, कल क्योंकि होली का एपिसोड अपलोड हो चुका था, तो आज मैंने सोचा थर्ड सीरीज आपको बताती हूँ। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट आ रहा होगा। आपके लिए ही ये सीरीज बनाई गई है स्पेशली। आप इसको फॉलो करें या ना करें, ये कोई मोटिवेशन नहीं है, क्योंकि हम किसी को भी मोटिवेट नहीं कर सकते। इंसान का खुद का मोटिवेशन कौन है? वो खुद ही है। आपको दुनिया में कोई भी आ जाए, वो मोटिवेट नहीं करेगा। वो आपको सांत्वना दे सकता है, बट मोटिवेट आपको कोई नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप हमारे स्क्रिप्चर्स के पास जाते हैं और कुछ महानुभावों की पुस्तकें पढ़ते हैं, तो वहाँ से हमें एक ज़रूर मोटिवेशन मिलता है। आज हम बात करेंगे फेलियर्स पर, कि कैसे अपने कॉन्फिडेंस को वापस से बूस्टअप किया जाए। जब हम फेलियर्स का सामना करते हैं, तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि हम डाउन हो जाते हैं, क्योंकि पूरे एक साल की पढ़ाई है और वापस से हमें फेलियर का सामना करना पड़ा। अब हमें फिर से उतना ही पढ़ना पड़ेगा। फैमिलीज़ की हमसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हमारी खुद से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो कोई भी ये बोले ना कि फेलियर्स तो ओके है, कोई नहीं, आगे बढ़ो, थोड़ा टफ है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा टफ है कि आगे बढ़ने में। बट सेकेंड ऑप्शन ये आता है कि अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे, वहीं अटके रहेंगे, तो क्या उससे हम इस फेलियर्स को क्रॉस कर जाएंगे? हम बस पड़े हुए हैं, रो रहे हैं, काश हो जाता, काश हो जाता। 2-3 दिन आप दुख मनाइए, बिल्कुल मनाइए, पक्का कहीं भी जा करके खूब ढंग से रो लीजिए, लेकिन उसके बाद वापस से अपने फॉर्म में आ जाइए। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। वही एकदम से एनर्जी के साथ आपको आना है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई होना चाहिए। इसके लिए हम कुछ एफर्मेशंस भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग डेली, जैसे मैंने बोला था ना कि आपको रात में सोने से पहले 5 मिनट हमेशा एक मेडिटेशन करना है, उस मेडिटेशन में आप एक चीज़ और ऐड करिए। जब भी आप मेडिटेशन करें, आप लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो आप वैसे कर सकते हैं। सुबह में, शाम में, दोपहर में, किसी भी टाइम पर कर सकते हैं, ठीक है? क्या करना है आपको अफर्मेशन में? आई एम बेस्ट, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग, ठीक है? मेरे पास असीम शक्तियाँ हैं, मेरे पास असीम शक्तियाँ हैं। और कहाँ से वो शक्तियाँ आ रही हैं? भगवान दे रहे हैं, यूनिवर्स दे रहा है, वो शक्तियाँ मुझे भगवान से मिल रही हैं, ठीक है? इससे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये प्रोग्राम होगा और आपके अंदर जो एक नई ऊर्जा है ना, वो आएगी। आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा। ऐसी ही कुछ अफर्मेशंस होंगी जो मैं, आप जाएंगे ना कम्युनिटी पोस्ट में, वहाँ पर मैं सारी की सारी अफर्मेशंस लिख दूंगी। और इसके अलावा मैं ये एक मेडिटेशन वीडियो भी बना देती हूँ, आप उसको कानों में लगाइए और सुनिए, सो जाइए, ठीक है? तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि देखो फेलियर्स आएंगे जाएंगे, लेकिन आप तो इंसान है ना, हमारे लिए बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। और 2-3 दिन में फेलियर्स के गम को ख़त्म करना है और रीस्टार्ट करना है। जिसने 12th फेल मूवी देखी होगी, तो रीस्टार्ट करना है। उस बुक को भी पढ़ो जाकर के, सच में अगर टाइम हो तो बिल्कुल पढ़ो, जब भी टाइम मिले पढ़ना इस पर, बहुत अच्छा लगेगा आपको उसे पढ़ के। तो मैं एक मेडिटेशन आपके लिए बना देती हूँ और आपके साथ मैं कम्युनिटी पोस्ट में जो अफर्मेशन है उनको भी शेयर कर देती हूँ, ज़रूर करिएगा। और बाकी का जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड क्वेश्चन होते हो, आप वो मुझसे ऑब्वियसली पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जैसे भी पूछना चाहे। इंस्टाग्राम अकाउंट है हमारा, जो कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इसका भी लिंक कम्युनिटी पोस्ट में लगा दूंगी। बाकी का प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, ताकि ये चैनल और भी ज़्यादा आगे जाए और मैं आपके साथ कंटिन्यू यहाँ पर रह पाऊँ, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम, जय श्री राम। अपने अपने आप से करिए बहुत सारा प्यार, बहुत ज़रूरी है वो, ठीक है?